विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के पांचवें दिन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को सोनीपत के गोहाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बरौदा विधानसभा के गांव बुटाना से गंगाना गांव तक पदयात्रा निकाली। भाजपा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हमने भाजपा से 15 सवाल पूछे हैं, लेकिन भाजपा ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरौदा उपचुनाव में भाजपा द्वारा बहुत वादे किए गए थे, वे वादे भी भाजपा की घोषणा पत्र की तरह झूठे निकले। दीपेंद्र हुड्डा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। इतना बर्बाद क्यों कर दिया बीजेपी की सरकार ने, ये 15 सवाल हम पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा जब से हमने सवाल पूछे भाजपा में तिलमिलाहट है, और भाजपा ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है सरकार ने, एक भी सरकार ना ये बताया कि सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी क्यों है, ना बताया देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, सबसे ज्यादा वेट क्यों लगाया हुआ हरियाणा पे, ना ये बताया सबसे ज्यादा अपराध क्यों है, ना ये बताया पोर्टल में, जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टलों के माध्यम से गरीब आदमी का अधिकारों क्यों छीना गया, ना ये बताया गया इतने किसानों पर, महिलाओं पर, स्कूल के बच्चों पर, कर्मचारियों पर, सरपंचों पर, शिक्षकों पर इतना अत्याचार क्यों किया गया। तो ये सारे प्रश्न हम सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार जवाब दे, यही हमारा अभियान है। मुटाना में, बड़ौदा बैजवाल में गर्ल्स कॉलेज का क्या हुआ, IMT बननी थी उसका क्या हुआ, राइस मिल बननी थी उसका क्या हुआ, नहरी पानी जो खड़ा हो जाता है, नहरी पानी कह रहा हूँ, जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, हमारे बड़ौदा में काफी जल भराव की समस्या है, उसकी निकासी का क्या हुआ, नहरी पानी कम क्यों आ रहा है, इसका क्या हुआ, हर गांव के अंदर जल आपूर्ति की प्रॉब्लम है आज बड़ौदा हल्के में क्यों है। इस सरकार में इतनी दुर्दशा का शिकार बड़ौदा समेत पूरा सोनीपत और सोनीपत समेत पूरा हरियाणा, 10 साल, एक दशक में भी इसी बात पे तोड़ आप हो जाए कर जाए। हमने अपने समय 81 किलोमीटर मेट्रो हुड्डा सरकार बनी थी हरियाणा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भादुगढ़, 10 साल में एक खंभा भी मेट्रो का भाजपा वाला कोई बता दे, भाजपा कोई अच्छा समर्थक हो अभी कि भाई क्या कारण है कि 10 साल में एक खंभा मेट्रो का नहीं बन पाया, कोई ना कोई कारण हो कि मेट्रो को रोकने से भाजपा को एजेंडा की पूर्ति होती हो, हम उसको उत्तर तो इसी में आप बता दो।